वेलकम बच्चों आज हम क्लास में साइंस में चैप्टर इलेवन कार्य तथा ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी पढ़ेंगे ठीक है इस चैप्टर में और इस वीडियो में जो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही जो मीडियम है उसकी जो बुक के जो पेजेस हैं उसको मैं साइड बाय साइड रख के पढ़ाते हुए चलूंगी और हर एक लाइन को पढ़ते हुए उसको एक्सप्लेन करती रहूंगी तब ताकि आपको हर एक लाइन अच्छे से समझ में आ सके और आप जो आप लोग की जो ये बुक पढ़ने की प्रैक्टिस छूटती चली जा रही है एटलीस्ट आप बुक पढ़ के भी समझ सकें ठीक है क्योंकि बुक्स में बहुत अच्छे से लिखा होता है एक्सप्लेन किया होता है तो अगर आप टीचर के समझाने के बाद बुक रीडिंग करेंगे तो आपको बुक को पढ़ेंगे जैसे मैंने समझाया है फिर आप जब पढ़ेंगे तो आपको आपके बैक ऑफ द माइंड में सब चीजें ऐसे रील जैसी चलती रहेंगी और समझ में आएंगे ठीक है तो इसलिए एक एक करके मैं लाइन समझाती जाऊंगी पढ़ती जाऊंगी इसलिए इसमें जो है इस चैप्टर को खत्म करने में लंबा टाइम लगेगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सेम चीजें इंग्लिश और हिंदी में मैंने अलग अलग किया ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो ठीक है तो इसके पहले के जो चैप्टर्स थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो भी वस्तु होती वस्तु मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है थेके? वो मोशन करते हैं गति करते हैं ठीक है थेके? और गति करने के कई तरीके होते हैं कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई हार्मोनिक मोशन कर रहा है ठीक है कोई जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है ठीक है इस तरह से मैंने कई तरीके पढ़े थे हम लोगों ने और गति के कारण होते हैं ठीक है थेके? और इसके पहले जो चैप्टर्स थे उसमें हमने गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन के बारे में भी पढ़ा था ठीक है अब आज जो हम पढ़ेंगे वो एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और वो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक नेचुरल घटनाओं मतलब, पर आधारित है प्राकृतिक घटनाओं पर मतलब नेचुरल फेनोमेना पर बेस्ड है जिसे हम कहते हैं वर्क और हिंदी में कहते हैं कार्य ठीक है इसके बाद जो वर्क होता है ये जो है ये एनर्जी और पावर इनसे जो है इनका इसका बहुत पास का रिश्ता है एनर्जी को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा और पावर को हिंदी में कहते हैं शक्ति तो ऊर्जा और शक्ति से जो है का जो कार्य से बहुत ही गहरा संबंध है इससे आप आगे चल के बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या संबंध इनके बीच में है क्यों इतना पास का संबंध है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि हमें पता है कि सभी लिविंग बींग्स जो भी हमारे अर्थ पे जो भी चीज लिविंग है उसको क्या चाहिए भोजन चाहिए फूड चाहिए और लिविंग बींग्स जो है बहुत सारी ऐसी बेसिक एक्टिविटीज करती हैं सरवाइव करने के जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं सांस लेते हैं ठीक है ठीके? ताकि जो है अगर हमें बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही सारी बेसिक एक्टिविटीज जो एक लिविंग बींग को सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस ठीक है यानी जैविक प्रक्रम ठीक है समझ में आ रहा है अब है सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अब इतने सारे लाइफ को करने के लिए इतने सारे लिविंग हमारी पे हैं ये सब अपनी अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए वेरियस लाइफ प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए एनर्जी कहां से आती है तो इन सब लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी है जो ऊर्जा है वो कहां से आती है फूड से आती है ठीक है भोजन से आती है ठीक है और हम एनर्जी को जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं तो हम जो एनर्जी है उसको बहुत सारे एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं लाइफ प्रोसेस को करने के अलावा वो है हम खेलने कूदने में इस्तेमाल करते हैं सिंगिंग रीडिंग राइटिंग सोचने में जंप करने में साइकिलिंग में रनिंग में एक्सेट्रा ना ऐसी लाखों एक्टिविटीज है जहाँ पे हमारी एनर्जी जो है वो खर्च होती है ठीक है कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज होती हैं क्रियाकलाप होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है और बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ठीक है ठेके? अब जो एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं दौड़ते हैं और चल कूदते हैं ठीक है ठीके? एनिमल्स फाइट करते हैं ठीक है ठीके? अपने एनिमीज से अपने दुश्मनों से दूर भागते हैं ठीक है ठीके? खाने की तलाश में या फिर आ, अपने रहने की जगह की तलाश में या एक सेफ जगह को ढूंढने के लिए वो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं ठीक है यहाँ तक कि हम एनिमल्स का यूज करते हैं कोई भी भारी सामान हमें रखना है या उठाना है तो हमने एनिमल्स की हेल्प ले ली ठीक है हमें अगर कोई सा, कोई सामान लाद कर कहीं ले जाना है कैरी करना है लोड को तो हमने एनिमल्स की हेल्प ले ली हमने क्या बनाया गाड़ी खींचने के लिए बैलगाड़िया और भी चीजें बना दी ठीक है हमने इन जानवरों का उपयोग कहाँ किया खेतों को जोतने के लिए भी हमने इन जानवरों का उपयोग किया ठीक है तो इन सभी चीजों में क्या जरूरी होता है एनर्जी इन सभी चीजों को करने के लिए क्या चाहिए एनर्जी मतलब ऊर्जा ठीक है यहां तक सबको समझ में आ गया है अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम मशीन्स के बारे में बात करेंगे अब तक हमने लिविंग बींग्स के बारे में बात की अब हम नॉन लिविंग चीज के बारे में बात करते हैं और वो है मशीन्स ठीक है अब आप लोग को ये करना है कि आप लोग को उन मशीन्स की लिस्ट बनानी है जो आप अपने घर में यूज करते हैं ठीक है और वो किस काम के लिए यूज होती है ठीक है कुछ ऐसे भी मशीन्स होती है ना जो इंजन्स होते हैं जिनको फ्यूल चाहिए काम करने के लिए जैसे पेट्रोल डीजल पड़ेगा तभी वो काम करेंगे ठीक है और क्यों जो लिविंग बींग्स हैं और जो मशीन्स हैं उनको क्यों एनर्जी चाहिए है ना बिना एनर्जी के क्यों नहीं काम हो पाता है क्यों चाहिए एनर्जी ठीक है ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपके इस चैप्टर के खत्म होते होते तक आपको समझ में आ जाएंगे तो फाइनली हम अपना मेन टॉपिक जो है वो वर्क वो अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वर्क कार्य क्या है तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम अपने डेली दिन में दैनिक जीवन में कार्य करते हैं ना डे टू डे हम जो कार्य करते हैं उस टर्म में और जो हम वर्क का टर्म यूज कर रहे हैं साइंस में उसमें जमीन और आसमान का अंतर है ठीक है अब हम डेली नहाते हैं धोते हैं खाते हैं पीते हैं ब्रश करते हैं स्कूल जाते हैं घर आते हैं पढ़ाई करते हैं बहुत सारे काम करते हैं वो काम अलग है और जिस काम के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं जिस कार्य के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं वो कार्य अलग है ये साइंस की लैंग्वेज वाला कार्य है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि हमारे डेली एक्टिविटीज वाला जो कार्य होता है वर्क होता है और जो हम ये कार्य और वर्क पढ़ रहे हैं साइंस में उसमें एक बड़ा डिफरेंस है जमीन और आसमान का डिफरेंस है ठीक है तो इसको हम कैसे मान जानेंगे कि ये डिफरेंस कैसा तो कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा जो आपकी बुक में मैंशन है ठीक है अब कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिकारी नहीं मतलब आपने बहुत ज्यादा काम किया है ना तो आपके हिसाब से आप बहुत थक गए लेकिन अगर आप साइंस की लैंग्वेज में आए तो भैया ये तो उतना ज्यादा काम ही नहीं है तो डिफरेंस हो जाता है अब कैसे देखो कमली जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है ठीक है और उसका पूरा टाइम से पढ़ते बीतता है वो किताबें पढ़ती रहती है ठीक है डायग्राम्स बनाती है सोच उनको पढ़ के उनके अपने उसको अपने दिमाग में बैठाती है ठीक है क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठा करती है क्लासेस अटेंड करती है प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस करती है एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करती है इन सब को करने में उसकी बहुत सारी एनर्जी क्या हो रही है खर्च हो रही है हो रही है कि नहीं हो रही है इस तरह से आप एक आम बोलचाल की भाषा में जैसे कॉमन पैरलेंस मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में आप क्या कहेंगे कि ये लड़की बड़ी मेहनत कर रही है भाई इतना पढ़ रही है इतना सब पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है तो बहुत कड़ी मेहनत कर रही है बहुत हार्ड वर्क कर रही है कहेंगे ठीक है अब यहाँ पर हार्ड वर्क जो है ये अलग है ठीक है पर अगर साइंस की बात करें हम साइंस के उसमें देखें तो यहाँ पे कठोर काम की जगह हार्डली यहाँ पे कोई काम किया गया है ठीक है तो अब मान लीजिए कि आप एक चट्टान है ना एक आपके सामने बहुत चट्टान रखी हुई है आप उसको धक्का देने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बार बार उसको पुश करे जा रहे हैं ठीक है बहुत पुश कर रहे हैं इतना ध़... इतना ज्यादा प्रैक्टिस और सॉरी प्रयत्न करने के बाद भी जो है अफर्ट लगाने के बाद भी आप उस चट्टान को टस से मस नहीं कर पाते वो जहाँ है वहीं खड़ी है और आप एकदम थक के चूर हो जाते हैं कि अब भैया ये चट्टान नहीं हिलेगी हमारे अंदर अब जान मान बची बची नहीं है अब हम कुछ नहीं कर सकते ठीक है ऐसा होता है तो अब यहां पर क्या हुआ है कि यहाँ पे आपके हिसाब से आपने बहुत काम कर दिया कि भैया इतने देर से पूरा दिन बीत गया हम चट्टान को धक्का लगाए पड़े चट्टान हिली नहीं हम थक गए जान नहीं बची हम सब कोई और काम ना बोले काम ना कहा जाए हम बहुत काम किए हैं लेकिन एक्चुअली में क्या है साइंस की लैंग्वेज में कि आपने यहाँ पर कोई काम नहीं किया कोई कार्य नहीं हुआ नो वर्क इज डन क्यों नो वर्क इज डन क्योंकि जब जो चट्टान है वो अपनी जगह से हिले ही नहीं उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं विस्थापन हुआ ही नहीं तो फिर कैसे कार्य हुआ ठीक है तो इसलिए साइंस की लैंग्वेज में वर्क डन तभी कहलाता है जब बेसिकली क्या होता है सबसे एक, कॉमन चीज है कि डिस्प्लेसमेंट हो अगर हम किसी किताब है इसको हमने धक्का दिया और ये टेबल से खिसक के यहाँ से नीचे गिर गए टेबल से तो क्या हुआ अब यहाँ पे कार्य हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने बुक को धक्का दिया और वो नीचे गिर गई हमने फोर्स लगाया बल लगाया जिससे बुक आगे खिसकी और वो नीचे गिर गई डिस्प्लेस हो गई अपनी जगह से तो यहाँ पे कार्य हुआ तो इस चीज को आप अंडरलाइन करिए कि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है रॉक का इसलिए यहाँ पे कार्य नहीं हुआ ठीक है अब मान लीजिए आप अपने सर पे एक बहुत भारी सामान लेके कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहिए ठीक है, है तो क्या होगा आपका सर दर्द करने लगेगा ठीक है आप एकदम थक जाएंगे आपके सर सर पकड़ लेगा आपका ठीक है और आपको लगेगा कि बाप रे आपने कितनी एनर्जी खर्चा कर दी तो अपने सर पे सिर्फ के सामान रखे खड़े होने में इतना भारी सामान ठीक है तो आपके हिसाब से क्या हुआ आपने काम किया कि नहीं इतनी देर तक आप अपने सर पे इतना बड़ा बोझ लेके खड़े रहे आपने काम किया बट साइंस की लैंग्वेज में देअर इज नो वर्क डन कोई काम नहीं किया गया जीरो क्योंकि आप तो वहां खड़े हैं आपने तो हिले आप हिले ही नहीं आप इतना बड़ा बोझ लेके सिर्फ खड़े हैं आपने मूव नहीं किया अपनी जगह पे खड़े हैं तो इसलिए कोई काम नहीं नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क इज डन ठीक है अब हम एक ये तो दो एग्जाम्पल्स थे एक एग्जाम्पल क्या था तीन एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल कमली का था कितना आप तैयारी कर रही है पढ़ाई कर रही है लेकिन साइंस के हिसाब से नो वर्क डन या लिटिल वर्क डन दूसरा है आप एक रॉक को पुश कर रहे हैं है ना पर वो रॉक अपनी जगह से नहीं हिल रही है नो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट नहीं नो वर्क डन तीसरा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है क्या कि आप जो है एक सर पे अपने भारी भर का बोझ लेके खड़े हैं और उसको एक जगह पे हिल नहीं रहे हैं नो वर्क डन ठीक है अब हम चौथे एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिया है उसको कंसिडर करते हैं अगर आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं ठीक है और आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है बिल्डिंग की ठीक है ताकि आप नज़ारा देख सकें पूरे अपने शहर का तो आप पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं अगर तो तो अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो इन सब एक्टिविटीज में ज्यादा वर्क अप्लाई हो कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं ठीक है सिर्फ किस लिए चढ़ रहे हैं सीढ़ी क्या देखने के लिए नजारा देखने के लिए कि बाहर हमारा शहर कैसा लग रहा है लेकिन साइंस की लैंग्वेज में यहाँ पे आपने काम कर लिया और जब आप सर पे बोल लेके खड़े थे चुपचाप तो साइंस के लैंग्वेज में आपने कोई काम नहीं किया ठीक है तो ये कैसे है ये आगे चल के आपको मालूम चलेगा ये आपका फोर्थ एग्जाम्पल हो गया तो अपनी डे टू डे लाइफ में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारा फिजिकल वर्क होता है, है ना या जो हम मेंटल वर्क करते हैं उससे हम क्या कहते हैं मेंटली जो कुछ काम करते हैं तो उस लेबर को हम क्या कहते हैं वर्क कहते हैं अब जैसे कुछ एक्टिविटीज जैसे फील्ड में खेलना अपने दोस्तों से बात करना या कोई गाना गुनगुनाना मूवी देखना कोई फंक्शन अटेंड करना इन सब को हम काम नहीं मानते हैं ये सब क्या है यार कौन सा काम तुम कर रहे हो कोई काम होता है नहीं तो काम क्या होता है ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हैं ठीक है थेके? पर साइंस में क्या है साइंस में वर्क को जो है बहुत अलग तरीके से डिफाइन किया गया है ठीक है अब हम यहाँ पे आते हैं फाइनली साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है साइंस की क्या परिभाषा है ठीक है कार्य की सॉरी कार्य की क्या परिभाषा है कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क तो विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करते हैं ठीक है अब मान लेते हैं कि एक सरफेस है ना ऐसे प्लेन सरफेस है टेबल रखी या जमीनी मान लो ठीक है और उस पे एक कैसे एक छोटा सा पेबल पड़ा हुआ है पेबल मतलब ईटा ईट एत का टुकड़ा पड़ा हुआ है ठीक है जिसे गिट्टी कहते हैं हम लोग ठीक है अब जो है पेबल जो है पेबल को हमने धक्का दिया ऐसे हल्का सा हाथ से पुश किया तो क्या हुआ जब हम पुश करेंगे तो ये जो गिट्टी है ये थोड़ा दूर आके क्या होगी चल के आएगी मान लो यहाँ आके क्या हुई रुक गई ठीक है तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमने इस गिट्टी पे बल लगाया क्या लगाया जब हमने इस गिट्टी पे बल लगाया तब ये गिट्टी ये पेबल अपने असली जगह से डिस्प्लेस होके कहा आ गया दूसरी जगह पे ठीक है समझ में आ रहा है ये ठीक है तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि यहां पे कार्य किया गया है यहाँ पे वर्क हुआ है ठीक है ये हो गया पहला एग्जाम्पल अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक लड़की है ठीक है वो जो है एक ट्रॉली को खींच रही है ठीक है ये एक लड़की है और ये एक ट्रॉली है है ना इसको ऐसे खींच रही है ठीक है और ट्रॉली जो है जैसे जैसे लड़की चल रही है ट्रॉली आगे बढ़ रही है इसका मतलब जैसे जैसे लड़की दूरी तय कर रही है ट्रॉली भी एक डिस्टेंस तय कर रही है और लड़की ट्रॉली को खींच रही है इसका मतलब लड़की क्या कर रही है फोर्स लगा रही है और ट्रॉली भी जो है अपनी जगह से हिल रही है ठीक है विस्थापन हो रहा है डिस्प्लेस हो रही है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कार्य किया जा रहा है वर्क इज डन ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं अब एक किताब लीजिए अपने हाथ में उस किताब को आप कुछ ऊंचाई तक उठाइए ठीक है तो जब आपने अपने हाथ में किताब रखी और रख के जब आप उसको अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पे अपने हाथ पे आप क्या लगा रहे हैं बल लगा रहे हैं फोर्स लगा रहे हैं ठीक है इसी वजह से आपकी किताब क्या है ऊपर है ऊपर उठी हुई अगर आप अपने हाथ को ऊपर नहीं उठाएंगे ठीक है तो लिफ्ट नहीं करेंगे किताब को ऊपर तो अपने हाथ से तो कैसे किताब ऊपर जाएगी तो इससे क्या हुआ अगर मान लो किताब यहां पे है और आपने इसको पकड़ के अपने हाथ से यहां कर दी ऊपर यहां पे किताब कर दी तो यहाँ पे आपने इसको बल लगाया और किताब यहां से उठ के कहाँ चली आई यहां पे आ गई डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहां पे भी कार्य किया गया ठीक है तो यहां भी वर्क डन ये साइंस की लैंग्वेज है अब होप सो आपको इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में दो चीजें समझ में आ रही होंगी कि यहां पे साइंस की भाषा में तभी कहा जा रहा है कि वर्क डन होगा जब फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर और दूसरा फोर्स लगने पे ऑब्जेक्ट जो है वो अपने जगह से विस्थापित हो रहा है डिस्प्लेस हो रहा है तब इन्हीं दो कंडीशंस में जो है कहा जा रहा है बार बार कि क्या हो रहा है कार्य किया जा रहा है ठीक है तो दो दशाओं का होना आवश्यक है कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है पहला वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरा वस्तु विस्थापित होनी चाहिए ठीक है अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ठीक है पूरी नहीं होती है तो इसका मतलब है कि कार्य नहीं हुआ है इसे हम साइंस की नजर से ऐसे ही देखते हैं ठीक है ठीके? अब जैसे मान लो एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है और गाड़ी कुछ दूर चल रही है तो गाड़ी पे एक बल लग रहा है ना फोर्स लग रहा है और गाड़ी कुछ दूर खिसक गई तो इस केस में क्या हुआ कोर्स कार्य हुआ कि नहीं हुआ तो यहां पे भी वर्क डन हुआ तो आई थिंक अब साइंस की भाषा में वर्क क्या होता है ये आप सबको समझ में आ गया है ठीक है अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं और वो है वर्क डन कॉन्स्टेंट फोर्स ठीक है इसका हिंदी वाला पार्ट इधर है, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य ठीक है तो फिलहाल मैं अभी इंग्लिश में ही यहाँ पे पढ़ा रही हूँ फिर आप लोग इसको हिंदी में अपने बुक से मैच कर लीजिएगा हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस अब हम ये तो जान गए कि साइंस में वर्क कब कब किया जाता है कब हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है जब बल लग रहा है ऑब्जेक्ट पे और जब वो ऑब्जेक्ट जो है बल लगने की वजह से विस्थापित हो रहा है डिस्प्लेस हो रहा है पर एक्चुअली में साइंस में वर्क को डिफाइन कैसे करते हैं परिभाषित कैसे करते हैं इसको समझने के लिए यहाँ पर एक आ, केस दिया गया है ये क्या है जैसा कि सॉरी एक मिनट बस जैसा कि आप यहां फिगर में देख रहे हैं यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है और उस टेबल पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ठीक है और इस ऑब्जेक्ट पे एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है कांस्टेंट फोर्स मतलब मतलब होता है नियत बल। नियत बल मतलब क्या होता है जिसका मान ना बदले जैसे अगर मैंने कहा कि एक्स बराबर टू होता है तो एक्स बराबर टू ही होगा ये नहीं कि आप x बराबर यहाँ पे थ्री और फोर अपने मन से रख सकते हैं ठीक है या फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब ये मान नियत है कांस्टेंट है ठीक है सबको पता है तो जो मान जो वैल्यू कभी नहीं चेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं कांस्टेंट ये सबको पता है यानी हिंदी में नियत तो यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ठीक है एफ उसकी वैल्यू है और उस फोर्स के लगने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस डिसप्लेस होके चला आया है दूसरे जगह पे और इसने जो दूरी तय करी है वो क्या होगी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका उसे हम एफ से दिखा रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोर्स भी लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे वर्क हुआ कार्य किया गया है तो यहाँ पे जो जितना कार्य किया गया है उसको हमने W से दिखा दिया ठीक है कार्य को हम यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू से ही शो करेंगे फोर्स को हमेशा कैपिटल एफ से दिखाएंगे और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से दिखाएंगे ठीक है तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होता है किया गया कार्य है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है तो साइंस की भाषा में वर्क टू बी वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को गुड़ा कर दें आपस में तो हमें क्या मिल जाएगा कार्य किया गया कार्य ठीक है तो अब सबको समझ में आ गया कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है कार्य का फॉर्मूला क्या होता है एफ इंटू एस फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट ठीक है तो इस तरह से Work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि अब यहाँ पे वर्क डन क्या है वर्क डन होता है जब जो फोर्स जितने भी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की हम फोर्स लगा रहे हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस जो वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो उसके मल्ट उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे कार्य कहेंगे और जो वर्क है वो क्या है वो एक स्केलर क्वांटिटी है स्केलर मतलब राशि है कार्य जो है वो एक अधिश राशि है इसकी कोई दिशा नहीं होती है इसमें से परिमाण होता है इसमें मैग्नीट्यूड नहीं होती इसमें मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती है ये बात आप ध्यान दीजिएगा ठीक है अब इस इक्वेशन को जो है क्या किया गया है कि यहाँ पर अब मान रखा गया है वैल्यू रखी गई है अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एफ का मान जो है एक न्यूटन है ठीक है हम हमेशा फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पे वन न्यूटन है और इस वन न्यूटन लगने वाले फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो एक मीटर आगे को खिसक गया है तो अब जो कार्य किया गया वो कितना हो जाएगा तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू एफ इन टू एस है ठीक है एफ एस ठीक है एफ डॉट एस है तो यहाँ पे डॉट मतलब मल्टीप्लाई ठीक है डॉट प्रोडक्ट तो एफ का कितना हमने लिया है बल कितना लग रहा है एक न्यूटन ठीक है और कितनी दूर गया वो एक मीटर तो कितना हो गया यहाँ पे वन न्यूटन वन वन जा वन न्यूटन मीटर ये आपका क्या हो गया किया गया कार्य हो गया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कार्य की इकाई है यूनिट है वो क्या है न्यूटन मीटर है अब इसी न्यूटन मीटर को क्या कहा गया जूल क्या कहा गया जूल ठीक है तो अगर कहीं पे ये लिखा है वर्क इज इक्वल टू वन न्यूटन मीटर में लिखा जा रहा है तो भी बात वही है और अगर जूल में लिखा जा रहा है तो भी बात वही है तो ऐसा यूनिट क्या हो गई वॉक की जूल हो गई और एक जूल कितने के बराबर होता है एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है ठीक है अब हम यहां पे देखते हैं कि अब एक जूल को यहाँ पे डिफाइन किया गया तो इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जूल की हालांकि इसको आपको याद नहीं करना है इसको आप सिंपल समझ लेना है एक जूल क्या है अब हमें पता है देखो निकालते कैसे वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब हम गुड़ा करते हैं ठीक है हम पूछ रहे हैं एक जूल कितना होता है तो जब किसी वस्तु पे एक न्यूटन का बल लगता है और उस एक न्यूटन के बल लगने की वजह से वो वस्तु एक मीटर जो है बल लगने की दिशा में विस्थापित होती है तो जो किया गया कार्य होता है उससे हम कहते हैं कि एक जूल कार्य किया गया है उस वस्तु पे किया गया कार्य एक जूल है ठीक है इंग्लिश में वन जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट वन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट द ऑब्जेक्ट बाय वन मीटर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ठीक है तो इस तरह से एक चूल की परिभाषा आपको याद हो गई सिंपल सी बात है अब इक्वेशन इलेवन पॉइंट वन को ध्यान से देखना है कि यदि जो ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम जो बल लग रहा है वो अगर जीरो हो जाए तो कार्य कितना होगा अब मान लो यहाँ पर ये यह W इज इक्वल टू एफ डॉट एस है ठीक है अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था ना मेज के ऊपर ठीक है तो अब इस पर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं जो हम इसको धक्का दे रहे थे मैंने हटा लिया तो अब जब कोई फोर्स नहीं लग रहा मतलब यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा जीरो जब एफ जीरो हो जाएगा तो आपको पता है कि कोई भी जीरो में अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा जीरो आएगा जीरो में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो आएगा तो इसलिए यहाँ पे कार्य भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है अब अगर ऐसा हो कि जो विस्थापन है वो जीरो हो तो क्या कार्य होगा बिल्कुल नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों अब मान लो यहाँ पे मैंने चार न्यूटन मान लो यहाँ पे पहाड़ है ठीक है ये पहाड़ है और मैं यहाँ पे खूब धक्का दे रही हूं अपने जी जान से साठ न्यूटन का बल लगा दिया मैंने मान लो खूब धक्का दे रही हूँ पर पहाड़ टस से मस नहीं हुआ तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ डॉस्ट एस हमने साठ न्यूटन का बल तो लगा दिया लेकिन क्या पहाड़ अपनी जगह से हिला नहीं हिला कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई जीरो अंडा इसका मतलब क्या हुआ फाइनली सब जीरो जीरो में कुछ भी गुणा करोगे सब जीरो कार्य क्या हो गया जीरो तो हम देख रहे हैं कि अगर force और displacement में से कोई भी एक चीज अगर जीरो है शून्य है तो किया गया कार्य अपने आप शून्य हो जाएगा ठीक है अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे इलेवन पॉइंट वन जो आपके बुक में दिया गया है एक वस्तु जिस पर पांच न्यूटन का बल लग रहा है ठीक है और जो ऑब्जेक्ट है वो बल लगने की दिशा में दो मीटर आगे विस्थापित हुआ है डिस्प्लेस हुआ है तो अगर जो उसपे विस्था, यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण के अनुसार किया गया कार्य होगा कितना होगा फाइव इंटू टू टेन न्यूटन मीटर या टेन जूल ठीक है अगर पांच न्यूटन का बल लग रहा है दो मीटर ये आगे खिसक गया तो कितना हो जाएगा फोर्स इंटू पांच तुनिके दस न्यूटन मीटर जिसको हम कह सकते हैं दस जूल तो कुछ चीजें आप ध्यान दीजिएगा वो ये है कि जो वर्क होता है इसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस ठीक है ये मैंने ऊपर तीर लगाया क्योंकि बल भी एक सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक सदिश राशि है वेक्टर क्वांटिटी है और कार्य जो है वो एक अधिश राशि है तो ये पहला फॉर्मूला पहली चीज हो गई दूसरी चीज जो याद रखनी है कि जो कार्य का एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल जूल क्या होता है? जूल होता है है जो कि बराबर न्यूटन मीटर के ठीक है ये क्या है एसआई यूनिट तीसरा चीज होती है जो कार्य किया जा रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है स्केलर मतलब अधिश राशि है अधिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होती है परिमाण होता है चौथा अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी जीरो है ठीक है फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी चीज जीरो है तो जो कार्य होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है ये आपके चार मेन पॉइंट्स हैं जिसको आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है फिलहाल नाइन्थ क्लास के लिए इतना ही है आप आगे जाएंगे तो इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने को मिलेगा मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके नहीं लिख रही ना ऐसे करके ये नहीं लगा रही गुड़ा का निशान नहीं लगा रही क्योंकि यहाँ पे हायर क्लासेस में ये मल्टीप्लाई का साइन होता है क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है ये नहीं लगता है जो वर्क होता है वो हमेशा वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट Dis के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है ठीक है इसके लिए क्वांटिटी है इसलिए ये इसके बारे में हम आप हाईर क्लास में इलेवंथ में पढ़ेंगे फिलहाल आप इतना जान लीजिए ठीक है अब है नेक्स्ट हमारा यहाँ पे <coughs> ये हो गया हाँ अब आप एक ऐसी सिचुएशन सोचिए अपने दिमाग में जहां पे जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं जैसे मान लो एक बच्चा है है ना ये बच्चा है और ये अपने हाथ से जो है एक कार को खींचे चला जा रहा है ग्राउंड के पैरेलल ठीक है तो बल भी इधर लग रहा है लग और गाड़ी भी इसी के साथ आगे बढ़ रही है खींच रही है डिस्प्लेसमेंट पे गाड़ी का इसी एक ही दिशा में हो रहा है पैरेलल है दोनों ना ठीक है द बेबी हैज एक्सर्टेड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा इस सिचुएशन में जो कार्य होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि जो फोर्स है वो क्या है फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव ली जाएगी ठीक है किसी भी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और हमारे यहाँ पे इधर फोर्स लग रही है ठीक है तो वर्क डन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो यहाँ पे जो फोर्स के द्वारा कार्य किया गया है वो पॉजिटिव है अब हम एक दूसरी सिचुएशन को यहाँ पे देखते हैं ठीक है दूसरी क्या है कोई मान लो कोई जो ऑब्जेक्ट है वो अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर दिशा में चल रहा है ठीक है अब उसके अब जिस दिशा में वो चल रहा है उसके अपोजिट में जो है उसे रोकने के लिए फोर्स लगाया जा रहा है उसको अब हम कहेंगे रिटार्डिंग फोर्स या मंदन ठीक है तो इसमें क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 180 डिग्री का ठीक है और इस केस में जो है फाइनली ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाएगा कुछ दूरी तय करने के बाद और इस सिचुएशन में जो कार्य किया जाएगा उस बल के द्वारा वो क्या होगा निगेटिव होगा और यहाँ पे हम जो वर्क है उसको हम माइनस से शो करेंगे ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्य किया जाता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अब जिसको ये नहीं समझ में आया उसको मैं अभी फिर से यहां पे समझा दे रही हूं मान लो ये कार है इसमें हमने चाबी भर दी है ना और ये कार अपना चली जा रही है चली जा रही है ठीक है ऐसे अब यहाँ पे एक बच्चा आया और इसने क्या किया अपने हाथ को लगा के इस कार को रोक दिया तो अब रोक दिया मतलब किधर को अगर वो इधर को फोर्स लगाता तो कार आगे बढ़ती ना पर इसने क्या किया है उल्टा कार ऐसे जा रही है है ना ऐसे विस्थापन और ये फोर्स किधर को लगा रहा है इधर को रोकने के लिए ठीक है तो यहां पे देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और लगने वाला फोर्स दोनों तो अपोजिट दिशा में है तो कितनी एंगल बन रही है ये हो गया एफ ये हो गया S, और ये कितनी एंगल बन रही है एक सौ अस्सी डिग्री तो यहाँ पे हमारा वर्क क्या हो जाएगा कोई भी एक दिशा को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी निगेटिव हो जाएगी अगर हम इस दिशा को पॉजिटिव लेते हैं तो ये दिशा क्या हो जाएगी निगेटिव ऐसे या अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी निगेटिव तो ऐसे इस केस में हमारा वर्क क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा तो एक पांचवी चीज जो आपको इसमें और ऐड करनी है कि जो कार्य होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल पे। ठीक है तो अब कब पॉजिटिव होगा वर्क डन कब पॉजिटिव होगा जब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक मिनट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिग्री जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल जीरो डिग्री रहेगी तब हमारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा मतलब जब दोनों एक ही दिशा में लग रहे होंगे ठीक है अब हमारा किया गया कार्य कब निगेटिव होगा जब ये जो मैंने बनाया इसका मतलब एंगल होता है ठीक है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री ठीक है ऐसे इधर बल है इधर ठीक है डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पे क्या हो जाएगा नेगेटिव इस चीज ये सिंपल सा है आपको इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है ठीक है समझ में आ गया अब जो है नेक्स्ट है एग्जाम्पल वन वन टू एक कूली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से ऊपर 1.5 मीटर उठाकर अपने सिर पर रखता है उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए अब मान लो यहाँ पे ये एक सामान है और यहाँ पे ये कूली खड़ा है अब इस कूली ने क्या किया कि इस सामान को उठा के कहा रख लिया अपने सर पे इसने इस सामान को उठा के सर पे रखा इसने क्या किया है बल लगाया है अब बताओ सामान का वेट कितना है यहाँ पे एम कितना दिया हुआ है सामान का पंद्रह के जी इसने कितना ऊपर ले जाके इसको रखा कितना यह सामान जमीन से कितना ऊपर उठाया गया है 1.5 मीटर मतलब स्थापन कितना हुआ है यहाँ पे 1.5 मीटर तो क्या कह रहा है कि इसके द्वारा किया गया कार्य कितना है ठीक है तो सिंपल सी बात है कार्य निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है कार्य का फॉर्मूला होता है ठीक है अब S तो पता है 1.5 मीटर एफ नहीं पता है एफ नहीं पता है, इसका मतलब हमें एफ निकालना पड़ेगा एफ कैसे निकलेगा ये हमें मास दिया हुआ है और हमें पता है कि जब मास दिया होता है तो उसको हम उठा रहे हैं तो वहां पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है जी काम करता है जिसका मान यहाँ पे अपने आप से टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है तो हम यहाँ पे पहले एफ निकालेंगे F कितना है? उस का मास पंद्रह है जी का मान दस डेढ़ सौ न्यूटन आ गया अब इसको हम इस फॉर्मुले में यहाँ पे रख देंगे डब्लू इज इक्वल टू डेढ़ सौ इंटू वन पॉइंट फाइव ठीक है और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा टू ट्वेंटी फाइव न्यूटन मीटर और टू ट्वेंटी फाइव कार्य किया गया ठीक है यह हमारा फाइनल कार्य हो गया अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगी एनर्जी या ऊर्जा ठीक है कितने प्रकार की एनर्जी होती है क्या और ऊर्जा कैसे कहते हैं फिलहाल ये हमारा वर्क था और इस वर्क में कुल ले देकर के यही पांच पॉइंट आपको एकदम दिमाग में अपने बैठा लेना है ठीक है